हैं जी मकरानी होते हैं और रंग उनका ब्लैक होता है। रियात का लोग वैसे ही थोड़ा जंगली होता है। शीदियों का भी कोई कौम होता है, बसेरा होता है। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, कोई शीदी है, कोई गोरा है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है। ये आम तौर पर गधा गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं। शीदी कभी यहाँ तो देखे नहीं, इंडिया की फिल्मों में देखे हैं बस। ये आज से तकरीबन 300 साल पहले हमारे अबाव अजदाद वो अफ्रीका से ग़ुलाम की हैसियत से आए। ये जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ थी उनको ज़रूरत थी आदमियों की, उन्होंने उनको खरीद कर लिया और उनको घरों नौकर बना लिया। शुरू से लेकर जब पाकिस्तान की रियासत बनी तब से लेकर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। पहले हम होते थे लोगों के गुलाम जब बादशाहत होती थी, और जब बादशाहत दौर ख़त्म हो गया फिर हम रियासत के गुलाम बन गए। जेंट्स वगैरह पहन के हम जाते हैं तो वो समझते हैं तो ये बाहर से आए हुए हैं। मैंने बोला भाई हम लियारी का है, हमारे को पहचान हम लियारी का है। वो तो है कि निजी चैनल पे हमने काम किया था, ग्रिस गेल मुझे बनाया था, वाकई लोग नहीं पहचान सकते थे तो वाकई ये ग्रिस गेल है। लेकिन मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में भी ग्रिस गेल हो सकते हैं। कौम के ए शायर शीरी जुबान होशियार कर, उथ उथी बेदार थी की कौम के बेदार कर। जह कौम में नाहे एको तहते सद अफसोस आ, तोखे कल कहड़े कम जी तू ही खड़ी इजहार कर। सिंध में शीदी कम्युनिटी को उसकी जो पहचान है वो मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर ने दी थी। हमें बहुत खुशी होती है कि हम जब भी यहाँ आते हैं थोड़ा बहुत काम करते तो हमें ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे बड़े हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सब कुछ ये हैं। मेरा नाम है अलीश बाजिश कम्बरानी। मेरे बाबा ने बताया था हम शीदी हैं। काला रंग अल्लाह सैन को मतलब बहुत अच्छा लगता है तो हम अल्लाह सैन ने हमको काला बनाया है। मतलब काबे को काला अल्लाह सैन ने किया है तो अच्छा रंग है ना। वो बड़े होके पायलट बनूंगी, जादू रंगी। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, बाय कास्ट मैं शीदी हूँ।
मामन सिद्दीक मुसाफिर का नवासा हूँ और यहाँ टंडो बागो में हम तब से रह रहे हैं जब से टंडो बागो है, फ्रॉम फोर फादर्स। मुसाफिर साहब मुगरमान के बारे में ये कहते थे कि ये हमारी शिदी कम्युनिटी के लिए ऐसा है जैसे किसी अच्छे फौजी के लिए हथियार। ये हमारी कौम का, शिदी कौम का मोनोग्राम है। जैसे कि जहाँ मुगरमान होगा वहाँ शिदी कम्युनिटी ज़रूर होगी, जहाँ शिदी होंगे वहाँ मुगरमान होगा। ये हमारा साज भी है, हमारी मोहब्बत का निशान भी है और दूसरा हमारे इकट्ठे होने का एक समझो म्यूज़िक है, अलार्म है। 5-6 किलोमीटर तक के जो गांव हैं हमारे शहीदियों के, वो इसकी आवाज़ सुनते थे और बगैर किसी कहने के सारे काम छोड़ के रात को पहुंच जाते थे। कितना भी गम हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, जब मुगरमान बजेगा तो सारे दुख गम गुस्से हम भूल जाते हैं। गुलामी का मतलब ये है कि गुलाम का अपना घर भी न हो और गुलाम का अपना कब्रिस्तान भी न हो और गुलाम की अपनी ख्वाहिश भी न हो, इसको गुलाम कहते हैं। हम तो माइनॉरिटी से नीचे लेवल की एक कौम समझे गए जिसपे बोलना टैबू करार दिया गया। हम अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, मैं भी अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मेरे भाई भी अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन हम आगे निकल नहीं सके। मैं समझती हूँ कि हमारी ये फाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अभी शायद मेरी आगे की नस्ल को ये अभी फाइट करनी होगी। इस मुगरमान की वजह से हमारी रूह आज़ाद थी। जब भी मुगरमान होता था तो वो गुलामी वो उनको महसूस नहीं होती थी, वो ये समझते थे कि हम बादशाह हैं, बस हम सीधी बादशाह, हम बादशाह, हम बादशाह हैं, हमें परवाह नहीं है किसी की। मैं हूँ शीदी बादशाह। 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 हम बादशाह। मैं हूँ शीदी बादशाह।